आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम का चक्कर, पशु पक्षियों को किस तरह पता चलता है, ये बात भी समझ से परे ही मानी जा सकती है। एक समय था जब सुबह सुबह आपके घर पे ऊपर चार दीवारी के ऊपर कौवे आके बैठा करते थे, उनकी काँव काँव से आपकी नींद खुल जाया करती थी। दो से तीन दशकों के पहले तक इस तरीके की स्थितियां बनी रहती थी, पर अब दो ढाई तीन दशकों में कौवे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है लगभग गायब ही हो गए हैं। आबादी वाले क्षेत्र से, शहरों से कौवे क्रो गायब ही दिख रहे हैं। और ये सावन के आते ही हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। इस नज़ारे में ये देखिए, यहाँ पर ये कौवे उड़ते हुए जा रहे हैं। सावन के आगाज के दौरान ही देखिए कितने सारे कौवे इकट्ठे हुए हैं। और ये कहाँ से आए, कैसे आए? एक दिन मराही माता मंदिर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बारह पत्थर क्षेत्र में कपीश्वर हनुमान मंदिर के पास ये इकट्ठे हुए। और कपीश्वर हनुमान मंदिर के पास ये देखिए, यहाँ बड़ का और पीपल का पेड़ एक साथ लगा हुआ है और इस पर बहुत सारे कौवे इकट्ठे आकर श्रावण मास का ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ इकट्ठे हुए और उसके बाद श्रावण के जाने के बाद भादों में भी एक बार सारे के सारे कौवे, पता नहीं कहाँ से इतने इकट्ठे कौवे आए और आकर के एकत्र हो गए। ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष में कौवों को दाना चुगाने से, भोजन कराने से आपका, ये सनातन धर्म की परंपराएं हैं, प्रचलित मान्यताएं हैं कि अगर कौवे को आपने भोजन कराया तो आपके पितृ जो आपके पूर्वज हैं वे तृप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। और बड़ा आश्चर्य इस बात पर होता है कि पूरे 365 दिन में पितृपक्ष के सिर्फ 15 दिन ही ये कौवे आपके घरों के आसपास दिखाई देते हैं। न कैसे इनका साइकिल क्या या मौसम का क्रम कैसे पता चलता है कि पितृपक्ष आ गया, अब हमको शहर की ओर कूच करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। कौवे यहाँ पहले आप जो भी पुत्र हो रही पीढ़ी इस बात को बेहतर तरीके से जानती होगी कि कौवे के जो घोंसले हुआ करते थे वे घोंसले घरों के आसपास के वृक्षों में आसानी से दिख जाते थे, कौवे के बच्चे। और एक और जानकारी आपको हम दे दें कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में ही ले जाकर छुपा देती है, और कौवे के जो मादा कौवा होती है वो अपने बच्चे और कोयल के बच्चों की परवरिश एक साथ करती है। बाद में जब बड़े होकर कोयल के बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं और वे दूसरी जगह चले जाते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इनके बीच में क्या समझौता है, क्या इनका आपस में तालमेल है कि कौवे के मादा कौवा कोयल के बच्चों का लालन पालन करती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कौवे आपको अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं ही दे रहे होंगे, पर जैसे ही पितृपक्ष आरंभ होगा आपको आपके घरों के आसपास कौवे दिखना आरंभ हो जाएंगे। ये वाकई शोध का विषय है कि साल भर ये कौवे कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, अगर जंगल में रहते हैं तो उन्हें पता कैसे चलता है कि पितृपक्ष आ रहा है, अब शहर की ओर चलना चाहिए, वहाँ हमें अच्छा भोजन मिल पाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ दिख रहा है, ढेर सारे कौवे हम आपको दिखा रहे हैं, ये पेड़ के ऊपर जा रहे हैं। और ये एक दिन ही यहाँ रुके, सावन में एक दिन और भादों में भी एक दिन, उसके बाद ये यहाँ दिखना ही बंद हो गए। मराही माता मंदिर परिसर में कपीश्वर हनुमान मंदिर के पीछे बड़ और पीपल का जो वृक्ष एक साथ लगा हुआ है, उस वृक्ष पे देखिए किस तरह अठखेलियाँ कर रहे हैं काग कौवा क्रो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पेड़ की डगाल पर ढेर सारे कौवे इकट्ठे, कहाँ से आए ये तो शोध का विषय ही माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन, वीडियोज, मौसम के अपडेट, मनोरंजक जानकारियाँ
ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम नई जानकारी लेकर नए विषय पर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।